हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे, जो हमारी सीरीज चल रही है जीएस के 10,000 एमसीक्यू वाली, उसका इंडियन पॉलिटी का ये हमारा छठा पार्ट है, ठीक है, जिसमें आपके टॉप 20 एमसीक्यू हम आपको सॉल्व कराएंगे ब्याक के सहित। अगर दोस्तों इससे पहले हमारे 5 पार्ट आपने नहीं देखे हैं भारतीय राजव्यवस्था के, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, या आपका भारतीय स्वाधीनता संग्राम 1947। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सही आंसर आपका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपको क्या क्या किया गया था 1935 में, एक तो आपको केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, इस सारा पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। और क्या किया गया था आपका, कि प्रांतों में जो आपका द्वैत शासन था उसको समाप्त किया गया था। ठीक है, और आपको किया गया था केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया था, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। और क्या किया गया था इसमें, इसमें आपको फेडरल न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। और दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखें, जितने आपके संविधान के आर्टिकल वगैरह लिए गए अपने, जैसे मैक्सिमम जो आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं सारे, ठीक है, मैक्सिमम जितने हैं आपके। और एक दोस्तों भारतीय स्वाधीनता संग्राम 1947, ये क्या था इसमें आपका, कि इसके तहत आपका 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया था, भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया था। किया गया था। और दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1909 क्या था आपका, इसे दोस्तों हम बोलते हैं माले मिंटो सुधार, ठीक है, इसमें दोस्तों आपको प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी। द्वैत शासन प्रणाली, जो कि आपका 1935 वाले में इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या था आपका, इसको दोस्तों बोलते हैं आपको, दोस्तों सॉरी, आपका 1919 में किया गया था, प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली लागू की गई थी आपकी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ठीक है, जिसको आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है, ठीक है, ये आपका 1919 में लागू किया गया था। और 1909 में क्या किया गया था आपका, कि मुसलमानों के लिए आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, पृथक निर्वाचन का, ठीक है, मुस्लिमों के लिए 1909 में। और 1919 में आपका प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी, जिसको कि 1935 में आपका समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको इन चारों के बारे में याद रखने हैं, यहाँ से आपका एक आध क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला आपका कि भारतीय संविधान की निम्न अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी और आपका चौथी। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहली जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, पहली सूची में जो कि आपका राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा है। और दूसरी बात का इसमें क्या आपका, जितने आगे पदाधिकारी हैं उनका आपका प्राधिकारियों का वेतन है इसमें, वेतन भत्ते दूसरी में। और तीसरी में क्या है, इन सबकी आपकी शपथ का प्रावधान है, ठीक है, यानी पहले आपका वेतन लेंगे बाद में आपका शपथ लेंगे, इस तरह से आप याद रख सकते हैं उनको। चौथी में क्या था आपका, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, स्थानों का आवंटन, ये दोस्तों आपका इतना हो गया। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा आपसे, कि अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको चार पांच टॉपिक है, जो पांच टॉपिक जो आपको पॉलिटी में
हमेशा याद होना चाहिए। कौन कौन से? एक तो आपका आर्टिकल होगा सारे, जिसमें आपके इंपोर्टेंट होते हैं लगभग 100 आर्टिकल आपके याद रखने होंगे मैक्सिमम आपको, ठीक है। और दूसरा आपका हो गया अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूचियाँ संविधान में? इसमें आपकी 12 हैं, तो इस आपको आपको 12 अनुसूचियाँ रखनी है। तीसरा आपका संविधान के भाग, कितने भाग हैं संविधान के आपके? 22 भाग हैं लगभग, ठीक है। अनुसूचियाँ आपके 12। और चौथा दोस्तों आप याद रखना आपका संविधान के स्रोत, कि क्या चीज़ आपके कौन से संविधान से, कौन से देश के संविधान से लिया गया है। चार दोस्तों आपके हो गए। और पांचवा एक आप रखना संविधान संशोधन, जो भी आपको 8-10 याद रखना है जो इंपोर्टेंट है आपके, ठीक है, अधिनियम। ये दोस्तों पांच टॉपिक आपके हो गए। छठा एक याद रखना आपको पंचायती राज व्यवस्था। और दोस्तों याद रखना आपका लोकसभा राज्यसभा कितनी सीटें हैं, ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखनी है लोकसभा राज्यसभा में। आपको जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं यहाँ से, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। और दोस्तों आपको याद रखना है जैसे आपका सीएम पीएम, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो भी होते हैं आपके जितने भी, कि इनको शपथ कौन दिलाता है, ये अपना इस्तीफा किसे देते हैं, और साथ में इनका आयु, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति बनने के 35 वर्ष की आयु जरूरी है। सीएम के लिए आपका कितनी है? सीएम पीएम के लिए आपका 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए आपका 30 वर्ष। इस तरह से आपको याद रखना है। और दोस्तों जैसे आपके होते हैं कि कैग हो गया, महान्यायवादी हो गए, ठीक है, सूचना आयोग, इन सब के लिए आपकी आयु कितनी है, जैसे 6 वर्ष 65 वर्ष किसी के लिए, ये सब आपको ध्यान रखना है इसमें, कि कौन इसको इनकी नियुक्ति करता है, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ एवं राज्यों के बीच संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन है 9, 11, 15, 18। तो दोस्तों जो आपका 11वां भाग है वो आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध को दर्शाता है आपका, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और भाग 9 में क्या आपका पंचायत है इसमें आपकी, ठीक है। और भाग 9 का में क्या है आपका, इसमें आपके नगर पालिका है। और आपका बचता 15 है, 15 में क्या आपका निर्वाचन है, ठीक है। 18 में क्या आपका आपात उपबंध है इसमें आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है। ऑप्शन है भारत इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका, भारत तथा इंडिया के नाम से आपका उल्लेख किया गया है, यानी कि आर्टिकल एक में आपका, आर्टिकल एक एक में आपको किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ होगा, ठीक है। अगला आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और आपका शासन अध्यक्ष। तो इसमें ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, संप्रभुता, ठीक है। और दोस्तों आपके राज्य के चार तत्व होते हैं, कौन कौन से? एक होता आपका संप्रभुता, बताई दी आपको। दूसरा आपका होता है जनसंख्या। तीसरा आपका भूभाग। चौथा आपका सरकार, या इसको आप शासन बोल सकते हो, ठीक है। राज्य के ये आपके चार तत्व होते हैं, संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग और आपका सरकार। अगला आपका कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति, दोस्तों इसकी सवाल क्या किया गया था आपका, त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई गई थी पंचायती राज में, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। अगला आपका आयंगर समिति की पे, स्वर्ण सिंह समिति की पे, ठक्कर समिति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपका भारत संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। कौन से भाग में है आपका? भाग 4A में है ये, 4A में, ठीक है। और कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल आपका 51A में, ये भी आपको आर्टिकल ध्यान रखना है। और कब जोड़ा गया दोस्तों ये आपका? 1976 में संविधान को जो आपका 42वां संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन अधिनियम में, ठीक है, उसके तहत आपका जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन, इसको आपका लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा
केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या आपका राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और आपके राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों राज्यसभा में कितनी सीटें हैं इस समय आपकी? टोटल आपकी 250 होनी चाहिए। इस समय कितनी आपकी? इस समय आपकी 245 हैं, ठीक है, जिसमें से कि 12 आपके राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा, वो आपकी कला, साहित्य, शिक्षा के क्षेत्र से हो सकते हैं, ठीक है। और लोकसभा में कितनी सीट होती है मैक्सिमम आपकी? 545, जिसमें दो आपके होते हैं अंगल भारतीय इंडियन, ठीक है, जो आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह है आपकी हिंदू कोड बिल, पेप्स विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक या दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो दोस्तों जो एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था वो आपका भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था आपका? उस समय राष्ट्रपति कौन थे आपके? ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। कब किया गया था? 1986 में। अगला आपका कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? गृहमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आपका उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका जो प्रधान होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है, यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ये दोस्तों आपके कुछ महापुरुष दे रखे हैं, उनके सामने आपके समाधि स्थल दे रखे हैं, इनके आपके समाधि स्थल हैं कि जवाहरलाल नेहरू आपका, शांतिवन सही है, लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट ये भी सही है आपका, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल ये भी सही है, राजीव गांधी कर्मभूमि ये आपका गलत है, ठीक है। जो राजीव गांधी की समाधि स्थल है वो क्या है आपका? वीरभूमि, ठीक है। और कर्मभूमि किसकी आपकी? ये है आपके शंकर दयाल शर्मा की, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य की विधानसभाओं द्वारा, राज्य की विधान परिषद द्वारा, राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद द्वारा, या आपकी नगर पालिका के सदस्य एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, यानी कि राज्य की विधानसभाओं द्वारा आपके चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। कौन से आर्टिकल में आपका? आर्टिकल 184 में। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो दोस्तों एक वर्ष में आपकी दो बार बैठक होना आवश्यक है, और दोस्तों दोनों बैठकों के बीच में आपका छह माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए बीच में, ठीक है। अगला आपका कि भारतीय संसद बनती है केवल लोकसभा से, लोकसभा प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री से आपका, या लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो दोस्तों जो भारतीय संसद है वो आपकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। किस आर्टिकल में आपका? आर्टिकल 79 में। अगला आपका कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है आपका? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त सचिव, आपका वित्त मंत्री। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन बी में करेक्ट हो जाएगा। कौन से आर्टिकल तहत है आपका? आर्टिकल 110(3), ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखनी है आपके, जो आपका धन विधेयक होता है इसको केवल आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसको राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। अगला आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ऑप्शन है लोकलेखा समिति, प्राकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, आपका याचिका समिति। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकलन समिति। इसमें टोटल आपके 30 सदस्य होते हैं, और कहाँ से होते 30 सदस्य? आपके लोकसभा से होते हैं 30, ठीक है। इसे कार्यकाल कितना होता है आपका? एक वर्ष का, प्राकलन समिति का। और लोकलेखा समिति में आपके 22 सदस्य होते हैं, 15 होते हैं आपके लोकसभा से और 7 होते हैं आपके राज्यसभा से। इसका जो कार्यकाल आपका एक वर्ष का होता है। अगली आपकी सरकारी उपक्रम समिति, इसमें आपके 22 सदस्य होते हैं जिसमें आपके 15 होते हैं लोकसभा से और आपके 7 होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। इसका भी कार्यकाल आपका एक वर्ष का होता है। सबसे आखिरी बस्ती आपकी याचिका समिति, इसके टोटल होते हैं 15 सदस्य
और दोस्तों इसका कार्यकाल कोई निर्धारित नहीं है आपका। अगला आपका कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या कितनी है, 28, 30, 34, 35। तो दोस्तों इस समय आपके सुप्रीम कोर्ट में टोटल न्यायाधीश हैं आपके 34, यानी कि 33 प्लस एक आपका एक, एक जो होता है आपका होता है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। इससे पहले कितने थे आपके, इससे पहले आपके 30 प्लस एक थे, 30 आपके न्यायाधीश थे, एक आपके मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर किया जाता है, लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या आपका मुख्य न्यायाधीश द्वारा। दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत, आपका आर्टिकल 324(2) के अनुसार, ठीक है। और जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी आयु कितनी होती है आपकी, 6 वर्ष या आपका 65 वर्ष, जो भी आपके पहले आए वो आपका होता है उसमें से। अब मान लीजिए दोस्तों आपका इस समय कोई 61 वर्ष का है, उसको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है, ठीक है, तो वो आपका रहेगा 65 वर्ष की आयु तक, जब तो उसकी एज 65 वर्ष नहीं हो जाती। अब मान लो इस समय किसी की एज आपका 57 वर्ष, उसको बनाया जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त, तो वो रहेगा आपका जब तक उसको 6 वर्ष रहेंगे हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसकी नियुक्ति आपकी विधि के, जो संसद द्वारा विधि बनाई जाती है उसके तहत आपका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला आपका कि निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है, 42वें, 44वें, 46वें, आपके 50वें। तो दोस्तों जो आपका 42वां संविधान संशोधन था उसको आपका लघु संविधान कहा गया है, यानी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कब हुआ था आपको, 1976 में, ठीक है। और इसमें दोस्तों क्या किया गया था, आपको जो प्रस्ताव बनाया उसमें आपके 3 शब्द जोड़े गए थे, इसमें कौन कौन से, एक तो आपको धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, एक आपका समाजवाद, ठीक है, और एक जोड़ा गया था आपका अखंडता। ये सभी शब्द आपके 1976 में जोड़े गए थे। और दोस्तों आपका मूल कर्तव्य भी आपका 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। ये किसमें आपका, भाग 4A में है और आपका आर्टिकल 51A में है, ठीक है। मूल कर्तव्य उस समय कितने थे, 10 थे, वर्तमान में कितने आपके 11 हैं वर्तमान में। और दोस्तों किस किस सिफारिश किए गए थे आपके, ये आपके स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ये दोस्तों इतना हो गया आपका। और एक काम और किया गया था आपके 42वें में, जो आपके लोकसभा और आपके राज्य विधानसभा जो होती है आपकी, ठीक है, इसका जो कार्यकाल था आपका बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था दोनों का, लोकसभा का और आपके राज्य विधानसभा का भी, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें इनको घटा के पुनः आपका 5 वर्ष कर दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 44 में हुआ था आपको 1978 में, ठीक है। और 46-50 ये आपके कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है आपके, तो इसलिए ये आपको याद नहीं रखने हैं। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान, 44 तरफ क्या किया गया था आपका, जो आपका 44वां संशोधन था इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका आर्टिकल 20 और आपका आर्टिकल 21 है, ठीक है, इनको आपका आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता, और दोस्तों जो आपका 42वां था इसमें एक काम किया गया था आपका कि जो कैबिनेट की जो आपकी सलाह होती है उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य किया जाता है, बाध्य है, ठीक है। ये आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत ही किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आपका धार्मिक न्याय। तो दोस्तों जो आपका धार्मिक न्याय, ये आपका इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। 3 न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और आपका राजनीतिक न्याय की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था, 5वीं, 7वीं, 9वीं, 10वीं। तो दोस्तों जो आपकी 5वीं लोकसभा थी इसका कार्यकाल आपका लगभग 6 वर्ष का था, कब से कब तक था आपका, ये था 19 मार्च 1971 से लेके आपका 18 मार्च 1977 तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके इतना ही, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों बताना चाहूँगा हमारे चैनल पर आपको RRB NTPC की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, जहाँ पर आपको दिन में 4 वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं।
मैथ रीजनिंग जीएस और आपका जीके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।